मैं चाहती हूँ सबसे पहले फांसी पे मेरे आंखों के सामने मेरी मात मर जाए, फांसी पे चढ़े, उसके बाद दोनों मेरे भाई चढ़े, उसके बाद मेरा बाप चढ़े, उसके बाद मेरे मामी मामा जो है वो सब चढ़े, और इस इनको सबको मार कर ये मेरे पति को सब इंसान मिलना चाहिए। अगर बाबू जैसे हमारे बच्चों को तड़प तड़प के मारा है, घिसला घिसला के कपड़े पा रहा है, तीन चार बार चक्कू पेट में मारा है, इतना मेरे पति को मरवा कर, इतना बड़ा दर्द देकर, खुलेआम घूम रहे बताओ, उसको दो तीन बार चक्कू मारी और उनको पर्सनल चीज को मतलब खींचा है, मारा है, जो भी मार, तभी उनकी जान चली गई है। मैं तो यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, जैसा मेरा पति मेरा संसार लूट गया है, वैसे ही उनको फांसी की सजा सुनाइए, उनकी मौत उनकी लाश मेरे आंखों के सामने आए, तब जाके मेरे मुझे शांति मिलेगी, शायद तभी मैं जी पाऊंगी उसकी यादों के सहारे। अभी तक मेरे पास कोई उसकी निशानी है, जो उसके पेट में मैं निशानी लेकर जिंदा रह रहती कि कोई सहारा है जीने का। सबसे पहले तो मैं अपनी माँ ने खड़े खड़े मरवाया, जिसको जरा ममता नहीं है, जिसने 9 महीने को में पाला, यहाँ पर आए इंसान को भी दया आ जाती, कोई बच्चा गिर जाता है तो हम उठा देते हैं, तो बताओ मामा कह के बोला था कि मत करो मत करो, तब भी मरवा। मैं चाहती हूँ सबसे पहले फांसी पे मेरे आंखों के सामने मेरी मात मर जाए, फांसी पे चढ़े, उसके बाद दोनों मेरे भाई चढ़े, उसके बाद मेरा बाप चढ़े, उसके बाद मेरे मामी मामा जो है वो सब चढ़े, और इस इनको सबको मार कर ये मेरे पति को सब इंसान मिलना चाहिए। और मेरे घर में कमाने वाला वही एक इंसान था जिससे मेरा घर चलता था, मतलब ससुराल में खर्चा पानी वही करता था, सारे ख्वाहिशें मेरी वही पूरी करता था, जब वो वही रहा नहीं इस दुनिया में तो कौन मेरे को देखेगा, कौन इनको देखेगा। और आपकी मांग क्या अधूरी है, किसको गिरफ्तार और चाहते हैं आप लोग? मैं पूरी फैमिली को गिरफ्तार कराना चाहती हूँ, मेरी बकाया कौन कौन है अभी गिरफ्तार होने, जो मतलब मामा की माँ है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मामा मतलब मामा के पापा पापा नहीं हुए हैं, उनके छोटे छोटे दो तीन बच्चे हैं वो भी नहीं हुए हैं, उनके घर के मेरे अभी दो मेंबर बस खाली अंदर गए हैं बस, बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं। कल भी ऐसे ही घूम रहा था बताओ, इतना मेरे पति को मरवा कर, इतना बड़ा दर्द देकर, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं बताओ। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत, लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़कर राम राम। आज दोबारा फिर पहुंचे हैं दिल्ली के मोती नगर एरिए में। आज जैसे कि बारी बारी से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि एक शव को लेकर एक महिला बैठी, अपने पति के शव को लेकर, एक पिता अपने बेटे के शव को लेकर बैठा है, एक माँ अपने बेटे के शव को लेकर बैठी है, बहन भाई के शव को लेकर विलाप करती है और इंसाफ मांग रही है। आज हमारे पास में वही गुड़िया है जो कल अपने पति के शव को लेकर रोड पर बैठी थी और इंसाफ की गुहार लगा रही थी। आज पूछेंगे कि इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या आश्वासन दिया है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो हमारे पास में वही गुड़िया है जो कल शव को लेके विलाप कर रही थी, इंसाफ के लिए आज कोई गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ है, इसकी कौन सुनेगा, इसको दिलासा कौन दिलाएगा, इसका शोहर वापस कौन लेगा, ये जिंदगी भर किसके सारे दिन काटेगी। आज इस गुड़िया पूछेंगे इनको क्या सांत्वना दी और कितनी गिरफ्तारी हुई है। बेटे क्या बताएंगे, आज शव का दाह संस्कार कर दिया कि नहीं कर दिया? अभी कर दिया, अभी लेकर गए हैं, लेकर गए हैं। क्या गिरफ्तारी हुई? कुछ गिरफ्तारी सुनने में आ रहा हो गई है, तीन चार चार लोगों की हुई है सुनने में आ रहा, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं जल गई नहीं हूँ कि कौन गिरफ्तार हुआ कौन नहीं हुआ, बस सुन रही हूँ, अभी जाऊंगी देखने के लिए। और मेरी माँ ने मारा है, जिन जिन ने मारा है ना उन, पुलिस ने क्या बताया आपको कि कितने गिरफ्तार हुए हैं? पुलिस तो यही बोली है, चार गिरफ्तार हो गए, उनको सजा मिल जाएगी, कब मिलेगी, मेरा संसार तो लेकर चले गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, इनके सहारे, इनकी जीवन है तब तक जीऊंगी इनके सहारे, जब ये दोनों चले जाएंगे तब किसके सहारे जीऊंगी, कौन सहारा बनेगा मेरा। आप बच्चे कितनों को दोषी मानते हैं आप लोग? मैं पूरे घर वालों को दोषी मानती हूँ, तो मैंने कॉलर पकड़ के मारा है, थप्पड़ थप्पड़ मारा, तो कह रहा मैंने नहीं करवाया है, तुमने कर, कौन कर रहा है ये बात? वही कह रहा है जो मेरे मामा है, उन्हीं का एक नशेड़ी है बहुत, मतलब मच्छी लाल नाम है उसका। बच्चे शादी को कितना समय हो गया आपकी? शादी को तो मेरा 1 साल होने वाला था, ये दिसंबर में 7 तारीख को 7 साल पूरा हो जाता, अभी साल भी नहीं हुआ, साल भी नहीं हुआ।
आज घर से बाथरूम कितनी दूरी पे है जहां आपके पति की हत्या की गई है? 5 मिनट लगते हैं जाने में बस। वहां से आके किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपके पति को चोट मार दी है? मेरी ननद की लड़की ने, मेरी ननद ने बताया, बताया भांजी ने कि मामी मामी मामा को मार रहे हैं, मामा को मार रहे हैं। तो मैंने तो देखिए नहीं, उन्होंने ही देखा है कि मार रहे हैं। तब थप्पड़ थप्पड़ मार रहे थे, उसका गला बांध पकड़ रखा था, चक्कू नहीं मारी थी। जैसे ही वो बाहर आए उसको 2-3 बार चक्कू मारी और उनको पर्सनल चीज को मतलब खींचा है, मारा है, जो भी मार, तभी उनकी जान चली गई है। अगर ये काम घिनौनी हरकत उनके साथ नहीं होती तो आज वो मेरे साथ, मैं मानती हूँ हमने गलत करा था, तो हमें साथ घर ही तो बसाया, अपना घर बसाया। हर इंसान अपने मनपसंद से शादी करता है। आप ही बताइए, 18 साल का कानून नहीं बनाया कि कोई लड़की लड़का अपने मनपसंद से शादी कर सके? हम कर सकते, ये हमारा हक है। और कुछ करना था, लपड़ थप्पड़ मार देती, थप्पड़ मार देती, सिर में चोट पहुंचा देती। अगर मान ले आपने गुनाह भी किया है, गुनाह भी किया तो पुलिस प्रशासन शिकायत देते, कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करते, मारने का अधिकार नहीं है? मारने का, उनकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं था, किसी का भी अधिकार नहीं होता किसी को जान से उसकी जान लेने का। मैं तो यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, जैसा मेरा पति मेरा संसार लूट गया है वैसे ही उनको फांसी की सजा सुनाइए। उनकी मौत, उनकी लाश मेरे आंखों के सामने आए तब जाके मुझे शांति मिलेगी, शायद तभी मैं जी पाऊंगी उसकी यादों के सहारे। अभी तक मेरे पास कोई उसकी निशानी है, जो उसके पेट में मैं निशानी लेकर जिंदा रह रही थी कि कोई सहारा जीने का, क्या सहारा लेकर इनका मुंह देख के कैसे जीऊंगे? ये खुद अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी, क्या इनको देख के मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी? ये देखो कल ये सामान दिला के लाया है, कोई आदमी लाता है अपनी बीबी के लिए? खुशी से लेके आया, कल टाइम से पहले ही घर आ गया, 1 घंटा पहले घर आ गया है। त्योहार के मारे, त्योहार के मारे, त्योहार ही समझ लिए बाजार, आजकल कोई त्योहार से कम नहीं होती है कि अपनी बीबी को सामान दिला लाऊंगा। एक दो बात मैं माँ से भी लेऊंगा, माई आज कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई को और चाहते हैं आप लोग? उनके परिवार को चाहते हैं, इतने मैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं, जो हत्या करने में शामिल है, आरोपी 8-10 हैं, 8-10 ये गिरफ्तार कई हुए हैं? चार हुए हैं, अभी कोई फांसी ऐसी नहीं सुनाई गई है। इन दिनों सबको रोक लिया, परसों से, एक मिनट जी, परसों से यहाँ बैठे हैं, 4 गिरफ्तार हुए हैं, आपकी मांग को ले गए, पुलिस ने क्या बोला है? ऐसे नहीं करा, कुछ करवाई करवाई नहीं है। शव को बर्फ लगा रखी थी? हाँ। तीसरा दिन निकल गया आज, गरीब आदमी की सुनाई कैसे हो पाएगी? कमाने वाला और तो नहीं कोई कमाने वाला, भाई लड़के लड़का ही आता मेरा, ऐसे बड़ा बेटा यो दमाई आपका, पढ़ाई बेटा मेरा था, राजा बाबू कहते हमारे रहते, राजा बाबू जैसे हमारे बच्चों को तड़प तड़प के मारा है, घिसला घिसला के कपड़े मारा है, 3-4 बार चक्कू पेट में मारा है, इनके माँ मारा है, इनके भाई ने मारा, माँ मारा है, इनके भाई ने मारा है, मामा ने मारा है, सबने मारा हमारे लड़का, मम्मी मम्मी चिल्लाते, मम्मी ना ही सुनी इनकी कि मम्मी छोड़ दे ना बचाए ढील दे, मम्मी मम्मी जब कह रहा कि मामता मम्मी की कोख तो समझ जाता है कि बेटा कोई केयर तो है। भीड़ भड़ाके का एरिया है यहाँ, क्या छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला? कोई नहीं बचाया मेरे बच्चे को, उधर मारा इन, कोई नहीं आया मेरे बच्चे को, मम्मी मम्मी चिल्लाते रहे, इतनी तो रहम करते कि बच्चा कोई की माँ उन्नी के औलाद छीन रहे हैं, 5 मिनट में काम करवा दे। इतने भीड़ भड़ाके में रहते हैं आप लोग, बचाने वाला कोई नहीं मिला वहाँ? कोई नहीं मिला, तभी तो उसकी जान गई, कोई मिलता, आखिरी सांसें उसकी चल रही थी, डर से तड़प रहा था, तो कुछ कोई तो लेके जाता, छोटे मोटे हॉस्पिटल में ही लेके जाते, तब तक कोई गाड़ी बुक करते, क्या पता उसकी जान बच जाती, जान होती, चाहे जैसे 5-6 महीने में ठीक होता, चाहे जब जो मेरे आंखों के सामने रहता, उसको देख कर तसल्ली होती मेरा कि मेरा पति किनका बेटा मेरा 20 तो है, और मेरे को क्या तसल्ली, सारी दुनिया उजाड़ के लेके चली गई, उसका कुछ बिगड़ा बिगड़ा तो मेरा है ना। कितनी उम्र होगी आपकी? अभी मेरी क्या उम्र है, 20 साल की उम्र नहीं है, 20 साल की हुई हूँ मैं अब। जहाँ बेटियाँ 25-26 साल की मैच्योर मानी जाती हैं, शादी लायक होती हैं, वो शादी लायक होने से पहले ये विधवा भी बना दी है, आज
इसकी एज देखो 20 साल की लड़की और 3 दिन से अपने पति के शव को लेके बैठी है। एक माँ बेटे के शव को लेके बैठी है, ऊपर से सुनवाई भी कोई भी नहीं है, खुले खुले आरोप हैं। आज बाकी गिरफ्तारों के लिए क्या बोला पुलिस? कह रहे हैं जल्दी कर देंगे, जल्दी ढूंढ लेंगे। आप बोले बॉडी लेके जाइए, हम बाद बॉडी लेके आप जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, हम पकड़ लेंगे। मैं तो कह रही हूँ दिन रात एक कर दीजिए, मुझे मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको कुछ लेना भी है ले लीजिए, बस मेरे जिन गुंडों ने गिरफ्तार करवाई, गिरफ्तार नहीं करवाई उनको फांसी की सजा सुनाइए सीधे। और फांसी गिरफ्तार होएंगे ना तभी सजा मिलेगी ना, कानून सजा देगा। चीज करवाई और उनको मारे, मेरे आंखों के सामने मरे और मुझे बुलाकर मैं खुद पहले मारूंगी फिर उनको फांसी सुनूं। आपको मारने का अधिकार नहीं है, जो गलती वो कर रहे हैं वो आप करेंगे, नहीं तो आप कानून से मांग कीजिए। तो मेरे सामने तो फांसी चढ़ाते हुए तो मैं देख सकती हूँ, तब मुझे तसल्ली तो होगी ना कि हाँ जिसने मेरे पति को मारा वो जा रहे हैं। मैं ये देखना चाहूंगी उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मैं यही चाहती हूँ बस मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसा कर्म जैसा मेरे पति के साथ हादसा हुआ ऐसे किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। कोई हमने गलत काम नहीं किया, शादी करके सब खुश रहते, अपने घर बसाया है, कहीं कुछ गलत नहीं। घर बसाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, कानून की नज़र में ठीक है वो, लेकिन माँ बाप अलाउ नहीं करते, उनको समझाना बुझाना नहीं माने वो, तो कानून की सलाह ले सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। अपने आप सजा देना, किसी को मौत के घाट उतारना ये गलत है। जुर्म मैं ऐसे नहीं करता, कोई किसी के जान लेने का अधिकार नहीं होता है। और हमने इनसे सलाह ली थी, हमने इन्हें मनाने की कोशिश की, इनके घर वाले मेरे घर गए रिश्ता लेकर, जब तुम नहीं मान रहे हो, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो फिर हम दोनों मिलकर क्या करेंगे। ये कानून बनाया गया तभी हमने यूज किया, अगर ये कानून नहीं होता तो हम नहीं करते। एक 20 साल की बच्ची इंसाफ मांग रही है और इंसाफ मिलना वाजिब भी है और इंसान का हक भी है। अगर इन्होंने गलती की थी घर बसाने की तो कानून की नजरों में थी, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन किसी की जान लेना, ये कानून हाथ में लेना, ये सरासरी गलत है। आज इसको जा सिर भी करना, आपका सिर करना ही इनकी मददगार बनेगा।